कार्यक्रमा अंतर्गत गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार कार्यक्रम ठेवण्यात आला होता। तर या कार्यक्रमाला नागपूरचे जिल्हाधिकारी आर विमला, डीसीपी गजानन राजमाने, तहसील पोलीस स्टेशनच्या पोलीस निरीक्षक तृप्ती सोनावणे, आमदार प्रवीण दटके, आमदार विकास कुंभारे, जयप्रकाश गुप्ता आदी उपस्थित होते। एक राष्ट्रीय पर्व जो भारत सरकार ने जिसकी घोषणा की, हर घर तिरंगा। हमने हर घर तिरंगा देने का इस क्षेत्र के अंदर में जो इस क्षेत्र का जो मजदूर वर्ग है, दलित पीड़ित शोषित वंचित समाज और खासकर मेहनत कष्ट लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, इस राष्ट्रीय पर्व से ये क्षेत्र वंचित ना रहे, इसलिए हमने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हर घर तिरंगा जो कल्पना है भारत सरकार की, उसको निभाने के लिए उसकी शुरुआत इस क्षेत्र से हो, ये हमारी कल्पना थी। इस घर का हर सदस्य अपने देश का जो आन बान और शान है तिरंगा, वो तिरंगा हर घर में लगाए। ऐसे हमने 300 तिरंगा का इस क्षेत्र में हर घर में लगे, ये हमारी कल्पनाएं हैं, ये हमारी ऐसी आशा है। 300 परिवार में इस क्षेत्र में तिरंगा हर घर में लगेगा। साथ ही 10वीं और 12वीं में जिन बच्चों ने अच्छा मार्क लिया, जो अच्छे मार्क से पास हुए, उस बच्चों का भी हमने यहाँ सत्कार करने का कार्यक्रम आयोजित किया है। साथ ही जो 50 साल 60 साल से इस हलवा समाज के अंदर में प्रवचनकार यानी जो प्रवचनकार थे, भजन गाने वाले लोग थे, आज वो 100 से अधिक भजन मंडल इस मध्य नागपुर और नागपुर शहर में हलवा समाज के थे, लेकिन वो आज कहीं ना कहीं खत्म होने के आ रहा है। तो हमने ऐसे भजन मंडल को भी यहाँ आमंत्रित किया कि जिनका सत्कार भी किया, साथ ही उनका मान सम्मान बढ़ाया, उनका मनोबल बढ़ाया, ताकि आने वाले समय में हम ऐसे भजन मंडल को नए सिरे से तैयार कर सके, ये हमारी कल्पना है। साथ ही मंदिर की ओर से उदय भाई देव सरपंच कमेटी की ओर से और साथ ही ओम गणेशोत्सव मंडल की ओर से हमने यहाँ भोजन की भी व्यवस्था कराई है। पानी का अधिक अभाव नहीं होता तो इस कार्यक्रम का आनंद कुछ और होता। पानी ने कार्यक्रम को साथ नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद लोगों की जो भीड़ है, लोगों का जो आशीर्वाद है, लोगों का जो प्यार है, वो बहुत भरपूर है। मैं सभी लोगों का, इस कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का, विद्यार्थियों का, भजन मंडल के लोगों का हृदय से धन्यवाद। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक नागपुर।